देखिए क्वेश्चन है आपका 14 नंबर क्वेश्चन मिला क्या? इस क्वेश्चन नंबर 14 के साइड में जगह पड़ी हुई है, वहां पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो LCC, LCC, LC मींस लीनियर कॉम्बिनेशन और एक C का मतलब है कॉलम्स, ठीक है? LCC यहां पर लिख लो एंड आई विल यूज दिस LCC थ्रू आउट द कोर्स ऑफ लीनियर अलजेब्रा, कंप्लीट लीनियर अलजेब्रा में जगह जगह मैं इसको यूज किया करूंगा। और इसका मतलब क्या है, हम क्या करने वाले हैं, वो मैं आपको एक बार समझा रहा हूं, सुनेंगे, पढ़ना क्वेश्चन। क्वेश्चन दे दिया 14 का, अच्छा इसको टाइप 3 में ले जा सकते हैं, LCC को हम टाइप 3 में ले गए। इसमें क्या है कि एक आपको 4 - 9 - 2 ये एक वेक्टर है, फिर ये यहां वेक्टर है 1 - 2 - 1, 1 - 4 - 2, 1 - 3 - 2। बात सुनेंगे सभी ध्यान से, इस वेक्टर को इन बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिखना है। थोड़ा सा टाइम सेव करने की एक मैंने टेक्निक बनाई है, कम से कम करीब करीब 20-30 सेकंड हमारे बच जाएंगे और एग्जाम में तो एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है ना? एक कहावत पढ़ी ना तुमने, वो इफ यू विल स्पॉइल द टाइम, टाइम विल स्पॉइल यू, है ना? जब एग्जाम नजदीक आता है तो बंदे को लगता है काश एक दिन और होता तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाती, अच्छा सारा रिवाइज हो जाता। तो अब देखो ना, दिन ही दिन है। LCC मैंने लिखवाया है, टाइप 3 का क्वेश्चन मैंने इसको बनवाया, तो मैं तुमको कह रहा हूं कि ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को इन बाकी वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपको लिखना है। व्हाट इज द ट्रेडिशनल वे टू राइट ए वेक्टर इन टर्म्स ऑफ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन वेक्टर्स? हमने इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया, इसको z से किया और इसके इक्वल रख दिया। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते, ट्रेडिशनल तरीका तो यही है। अब इक्वेशंस बनाई, यहां से पहला कंपोनेंट x है, वहां से पहला कंपोनेंट y है, और वहां से z है, और यहां से 4 है। अब क्या आया, 2x प्लस 4y माइनस का 3z इज इक्वल टू माइनस का 9। और अब क्या आया, माइनस x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 2। हो गया, अब आप इसको भूल जाओ और ये सीधा सीधा आपके पास एक तरह से टाइप 1 का क्वेश्चन आ गया, न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल के लिए गए 1 - 1 - 1 - 4 - 2 - 4 - 3 - 9 माइनस का 1 - 2 - 2 - 2। बच्चों कुछ बात समझ आ रही है क्या? बोलो, आगे कर लेंगे सॉल्व इसको, कर लेंगे, क्या है, कुछ भी नहीं है, यूनिक सोल्यूशन आ जाएगा, कर लेंगे आप इसका रैंक निकाल लेंगे, कर लेंगे। मैं पता आपको क्या यहां पर कहना चाह रहा था, आई वॉन्ट टू सेव दिस टाइम। ये लिखने में जितना टाइम हमने ये जो 20-30 सेकंड लगाए हैं, मैं चाहता हूं कि ये समय हमारा बचे। आप थोड़ा सा नोटिस अगर करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जो ये फर्स्ट वेक्टर 1 - 2 - 1 था, क्या यहां पर ये कॉलम में नहीं है क्या? सेकंड वेक्टर 1 - 4 - 2 कॉलम में है, ये थर्ड कॉलम में, और फिर जिसको एक्सप्रेस करना है वो लास्ट कॉलम में है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का जो लास्ट कॉलम है वो है। मेरी बात को समझे? तो मैंने ये जो बताया ना आपको, मैंने ये वाला टाइम एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई किया, फिर इक्वेशंस बनाई, फिर जाके ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखी, फिर सॉल्व करना शुरू किया, फिर जाके आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल कर आई। आई वॉन्ट टू सेव दिस टाइम, ये टाइम सेव करना है। इस टाइम को सेव करने के लिए मैंने इसका शॉर्टकट क्या बना दिया, LCC, समझ गए? अब LCC को हम कैसे याद रखेंगे, वेन एवर वी हैव टू एक्सप्रेस ए गिवन वेक्टर एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सम अदर वेक्टर्स, तो आप सारे वेक्टर्स को किस में लिखेंगे, कॉलम में, डॉट्स लगाओगे और डॉट्स लगाने के बाद उसको लिखोगे जिसे एक्सप्रेस करना है, जिनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है वो यहां पर है ये, और जिसको एक्सप्रेस करना है वो लास्ट कॉलम है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो आपके हुए जो 20-30 सेकंड है वो बच जाएंगे। डायरेक्ट इसको सोल्व करो, सीधा रिड्यूस सिस्टम लिखो, ये क्यों लिखते हो, रिड्यूस ही लिखो सीधा, और डायरेक्ट आपके पास क्या निकल आएगा, XYZ की वैल्यू, ठीक है?
नई बात समझ आई क्या? पक्का? चलो आगे, चलो जी, कर लोगे या करूं सॉल्व इसको? कर लोगे। बस एलसीसी में मैंने आपको यह सिखाया है कि किसी वेक्टर को गिवन वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना अगर हो तो कॉलम्स में लिख लो पहले, तो जिनकी टर्म्स में एक्सप्रेस करना है उनको, डॉट्स लगा के जिसे एक्सप्रेस करना है उसको, और जस्ट अपना सिस्टम आप सॉल्व कर लो। ठीक है, टाइप ये इसको क्या बोल दिया हमने, टाइप थ्री। अब मैं टाइप फोर के क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के अंदर कर रहा हूं। एक तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 16 नंबर क्वेश्चन लिखा है, और एक दो ये रिजल्ट्स लिखे हैं, इनको सबको मैं टाइप फोर में ले रहा हूं। पेज नंबर 91, रिजल्ट नंबर 5 और 6। पेज पर रिजल्ट नंबर 5 और 6 है, ये टाइप फोर में जाएंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 भी टाइप फोर में जाएगा। और टेक्निकली मैं बताऊं अगर तो टाइप फोर में मैं क्वेश्चंस का नाम देता हूं इजी क्वेश्चंस। टाइप फोर में 2-3 क्वेश्चन लिखवाऊंगा जिनको हम इजी क्वेश्चंस कहेंगे, और टाइप फोर में ही 2-3 क्वेश्चन में और लिखवाऊंगा जिनको हम हार्ड क्वेश्चंस कहेंगे। थोड़ा सा याद रखने के लिए ना मैंने ये नोमेनक्लेचर दिया है, ताकि फ्यूचर में जब आप जाएंगे तो आपको फटाक से एक क्वेश्चन देखते ही एग्जाम में कि ये हमारे क्लासिफिकेशन में इजी क्वेश्चन वाली कैटेगरी में है ये, टाइप फोर में। और ये जो मैं काम तुम्हें करवाने वाला हूं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, यहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये टाइप फोर के क्वेश्चन हो गए। आप समझ गए हमने टाइप का क्लासिफिकेशन कैसे किया है? टाइप वन में तो क्या है, डायरेक्ट जो न्यूमेरिकल्स है वो है। टाइप टू में क्या है, जब कोएफिशिएंट्स के अंदर अननोन छुपे हुए हैं, उन अननोन की वैल्यूज के लिए आंसर देना है कि यूनिक कब है, नो सॉल्यूशन कब है, वो कब है। और टाइप थ्री में क्या है, एलसीसी। और टाइप फोर के अंदर ये क्वेश्चन अभी हम लिखने वाले हैं जिनके अंदर इजी क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस का क्लासिफिकेशन मैंने किया है। ओके, तो मैं इजी क्वेश्चन एक लिख रहा हूं पहले। नंबर वन, इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, देन इफ ए एक्स इज इक्वल टू बी इज कंसिस्टेंट, देन Which of the following is true? Which of the following is true? अच्छा, A matrix पे लिख लेना m cross n है, ये आपका n cross 1 है, और इसको फिर तुम जानते हो ये क्या होता है, m cross 1। ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको मिटा दो, इसको टाइप फाइव में लेके जाऊंगा मैं। टाइप फोर में पहले एक और चीज कराता हूं आपको, आपने कहीं लिख लिया तो लिखे रखो, बस टाइप फाइव कर लो, ठीक है ना। टाइप फोर में पहले एक और चीज करा रहा हूं, हां जी, वो मैं करा रहा हूं तुम्हें टाइप फोर में। पेज नंबर 91 पे जो 7 नंबर रिजल्ट है ना, मिला, इसको करा रहा हूं पहले। तो उसको हम टाइप फोर बनाएंगे, इसको बाद में कराता हूं, थोड़ा सा हम और ज्यादा सीख पाएंगे। सुनेंगे, एक बात सुनो, अगर आपको कहीं पर ए एक्स इज इक्वल टू बी सिस्टम दिया हुआ है,
ये m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ये n क्रॉस 1 है, ये m क्रॉस 1 है, हा? मैं आपको n और m की वैल्यू दूंगा, एक बार n बड़ा होगा m से, एक बार n और m इक्वल होंगे, और एक बार n आपका m से छोटा होगा, और उसके लिए फिर आपको यह बताना है कि जो ये सिस्टम है इसके सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन के बारे में आपको बात करनी है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है या कैसा सॉल्यूशन है, और जैसा सॉल्यूशन है फिर वैसा आपको क्वेश्चन भी बनाना है, खुद अपने आप से क्वेश्चन आपको बनाना आना चाहिए, तो मैं इसको लेके आया हूं टाइप फोर में। मैंने पहला केस ले लिया, केस वन, एन इज ग्रेटर देन एम, यह लिया मैंने, मतलब क्या निकला, दैट इज नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। अगर ये कहीं दिया जाए बच्चों आपको, तो आपको ये बताना है कि सिस्टम के कितने सोल्यूशन हो सकते हैं। एक बात सुनेंगे सभी ध्यान से, नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, नंबर ऑफ इक्वेशन कम है। मान लो मैं तीन वेरिएबल ले लेता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सेवन, टू एक्स माइनस वाई प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू सिक्स, चार ले लो, चलो एक और ले लेता हूं वेरिएबल, प्लस फोर टी इज इक्वल टू फाइव, दूसरी इक्वेशन ये है कि टू एक्स प्लस टू वाई प्लस थ्री जेड प्लस टी इज इक्वल टू सेवन। देखना बच्चों ध्यान से, कितने वेरिएबल है, चार, कितनी इक्वेशन है, दो, दो हो तीन हो कितनी भी हो, एक बात बताओ क्या यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। मैट्रिक्स जो ए बनेगी वो किस साइज की बनेगी, टू क्रॉस फोर की है ना, टू क्रॉस फोर की मैट्रिक्स आएगी, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमने क्या पढ़ा है, ए का रैंक, ए कॉलन बी का रैंक और नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वल होने चाहिए। अगर ए मैट्रिक्स टू क्रॉस फोर की है तो क्या इसका रैंक चार आ सकता है क्या, आ ही नहीं सकता। तो ये तो क्लियर कट बात है कि यूनिक सॉल्यूशन तो हो नहीं सकता, या तो इनफाइनाइट होंगे, और होने को ये भी हो सकता है कि नो सॉल्यूशन हो, बना सकता हूं ना नो का क्वेश्चन, इन दोनों को ऐड करके लिखूंगा और राइट हैंड साइड पे उस रिलेशन को मेंटेन नहीं करूंगा। मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, 3x आया प्लस का 3y आया प्लस का 4z आया प्लस का 5t आया, ऐड करके 12 आ रहा था, मैंने 13 लिख दिया, बताओ कितने सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन। ये जो क्वेश्चन तुम्हारे सामने है नो सोल्यूशन है, और सुनो ये लो यहां 12 कर दिया, अब बताओ कितने सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। नहीं तुम्हें बात समझ आई क्या, ये क्या सीखा तुमने, अगर किसी सिस्टम में नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से अगर ज्यादा हैं तो उस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, या तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे और या फिर नो सॉल्यूशन होंगे। आ गया समझ, लॉजिक समझ आया भैया, एन बड़ा है, एन बड़ा है एम से, और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स का रैंक लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ एम एंड एन होता है, ये अगर थ्री क्रॉस फोर की मैट्रिक्स है, एन बड़ा है तो रैंक चार तो आ ही नहीं सकता, और यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या है, ए का रैंक, ए कॉलन बी का रैंक, दोनों इक्वल, और किसके इक्वल, एन के इक्वल, लेकिन एन अगर एम से स्ट्रिक्टली बड़ा हो गया तो ए का रैंक एन आएगा ही नहीं। एक बात सुनना, अब एक बच्चा बोलता है सर ए का रैंक है, देखो रैंक ऑफ ए कॉलन बी, रैंक ऑफ ए, भैया ये तो देखा ना आएगा नहीं, सीधी सी बात है, देखना ये चीज तो एन आनी नहीं है। अब यहां तुम देख लो इक्वलिटी है या नहीं है, अगर एन एम से बड़ा है तो ये चीज एन नहीं आएगी, बल्कि क्या कहूं मैं, ये तो एन से स्ट्रिक्टली कम आएगी। अब यहां तुम देख लेना क्या है, अगर यहां इक्वलिटी है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो गए, और अगर यहां इनइक्वलिटी है तो नो सोल्यूशन हो गए। नहीं समझ आई बात, बोलो, अगर यहां क्या है इक्वलिटी और एक क्या है इनइक्वलिटी, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, लेकिन ये दोनों एन से तो पक्का कम रहेंगे,
वहां तो लेस देन एन आएगा ही आएगा। जैसे सुनो यहां 12 किया हुआ है, 12 किया हुआ है तो पता है ए का और ए कॉलन बी का रैंक इक्वल आएगा और 2 आएगा रैंक, समझ रहे हो, जो कि 4 से कम है। और अगर मैं यहां कर दूं 13, अब बताना नो सोल्यूशन, और ए का और ए कॉलन बी का रैंक इक्वल नहीं आएगा, एक यहां पिवोट आ जाएगा, लास्ट कॉलम में अगर पिवोट आ गया तो ये रैंक इक्वल ही नहीं आएगा। अब ये इक्वल आए या अनइक्वल आए, एक बात तो कंफर्म है कि एन से तो ये कम है, तो एक हिसाब ये बन गया अगर नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से किसी क्वेश्चन में अगर ज्यादा है तो उस क्वेश्चन का यूनिक सॉल्यूशन तो हो ही नहीं सकता, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या फिर नो सॉल्यूशन है। आ गया सबको समझ, गया क्या क्वेश्चन बनाने आ गए? मान लो 12th क्लास के बच्चे को तुम पढ़ा रहे हो और उसको नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन बना के देना है, बना दोगे? कैसे बनाओगे? एक इक्वेशन लिखी, दूसरी लिखी, थर्ड इक्वेशन, मेरी बात सुनो, सीधा ऐड करके मत लिखना, बच्चे भी आजकल तेज हो रहे हैं समझे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 3 से करो, इस तरह से कर दो ताकि डायरेक्ट नजर ना पड़े, नहीं, और राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट आ रहा है ना ऐसा करने से उसको अलग कर दो, उसको डिफरेंट कर दो, तो वो क्वेश्चन किस चीज का हो गया? नो सॉल्यूशन का। ठीक है, समझ गए? अगला केस, इक्वल टू पे चल रहा हूं कि मान लो ये दे दिया, देखना n इक्वल टू m दे दिया, नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन इक्वल है किसी क्वेश्चन में, स्क्वायर सिस्टम बोलते हैं ऐसे सिस्टम को, तो एक बात बताओ, रैंक ऑफ a कॉलन b, रैंक ऑफ a और यहां n, ये तीन चीज मैंने लिख दी, इक्वल दिया हुआ है, अब की बार एक बार बताओ क्या रैंक ऑफ ए अब की बार एन आ सकता है क्या? यस आ सकता है, अब की बार क्या प्रॉब्लम है, एम और एन इक्वल है तो ये आ भी सकता है, वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, और लेस भी आ सकता है, इक्वल भी आ सकता है, अब की बार तो ये तीनों इक्वल हो सकते हैं, हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है ये दोनों इक्वल हो इससे कम हो, और ऐसा भी हो सकता है कि यही होल्ड ना करे, तो इसका मतलब ये निकला बच्चों, अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर सेम है तो तीनों में से कोई भी केस होल्ड कर सकता है, क्योंकि होल्ड तो ये वाला केस भी कर सकता है, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, होल्ड तो ये वाला केस भी कर सकता है, भी एग्जांपल भी बना दूंगा, क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा, और होल्ड तो फिर ये भी कर सकता है, उसमें क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो अगर किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ वेरिएबल और नंबर ऑफ इक्वेशन अगर इक्वल है तो आपके पास कुछ भी आ सकता है। लो बनाता हूं, तीन वेरिएबल तीन इक्वेशन ले लेता हूं, ठीक है, पहले यूनिक का क्वेश्चन बना रहा हूं, देखो बोर्ड पर ध्यान से, x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 4 लिखा, सेकंड इक्वेशन कुछ भी लिख दी, अब एक बात सुनना, अब थर्ड इक्वेशन हम देख रहे हैं कि सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन का मल्टीपल नहीं है, अभी तक तो रैंक है 2, आप इसको REF में कन्वर्ट करोगे रैंक अभी तक तो 2 आएगा, थर्ड इक्वेशन को आप इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बना के मत लिखो, लीनियरली इंडिपेंडेंट इक्वेशन लिखो, कॉम्बिनेशन मत बनाओ, LI इक्वेशन लिखो, लेकिन अच्छा मान लो लिख दी, मान लो मैंने ये लिख दिया 4x प्लस 5y माइनस z इज इक्वल टू 11, ये लिख दिया, सुनना ध्यान से, अब आप कहोगे सर मैंने तो एटेंडम लिखी है, मैंने उन दोनों का यूज किया ही नहीं है, लेकिन कई बार आपने नहीं किया होता, हो जाता है, कई बार कॉम्बिनेशन तुमने नहीं बनाया बट बाई चांस कोई तुक्का लग गया और वो कॉम्बिनेशन बन गया, आपको सर कैसे पता चलेगा? REF, इसी बीमारी की जो दवा है वो, समझे क्या? ज्यादा चांसेस वैसे यही है कि एक पिवट इसमें भी आएगा, बट लेकिन आपको पहले ही नहीं बोलना चाहिए, आप इसकी REF बना लो, रैंक मोस्ट प्रोबेबली 3 आएगा और वेरिएबल भी 3 है, ए का और ए कॉलन बी का दोनों का रैंक 3 आ जाएगा, तो ये किस चीज का क्वेश्चन हो गया? यूनिक सॉल्यूशन। नहीं समझ आई बात क्या? यूनिक का हो गया। अब सुनो, मान लो मुझे क्वेश्चन बनाना है इनफाइनाइट सॉल्यूशन का, तो क्या करूंगा? फिर दो इक्वेशन तो लिखी मैंने एट रैंडम, इसको इसका मल्टीपल नहीं लिया, और थर्ड इक्वेशन लीनियर कॉम्बिनेशन बना के लिख दूंगा, मैंने इसको 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दिया, ये हो गया 4x, ये हो गया आपका 3y,
ये हो गया 7z, और यहां पर क्या किया, दो से गुणा करके इसमें जोड़ा है, 13 आ गया, 4 × 2 = 8 और 5 = 13, ये सवाल हो गया। तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, और इस क्वेश्चन के अंदर एक वेरिएबल फ्री आएगा। समझ रहे हो क्या होगा? क्या होगा जब आप इसकी आरईएफ बनाओगे तो थर्ड रो जीरो जाएगी, और थर्ड रो जीरो हो गए आर आ जाएगा 2, एन है 3, एक वेरिएबल फ्री आएगा, और जब क्वेश्चन में आपके में फ्री वेरिएबल क्रिएट होता है ना तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, क्योंकि उस फ्री वेरिएबल को तुम कुछ भी रखते रहो वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसलिए तो आते हैं। नई बात समझ आई? अब अगला सवाल बनाना है, तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन लिखनी है, और क्वेश्चन नो सॉल्यूशन का क्रिएट करना है, नो सॉल्यूशन का क्रिएट करना है, इस 13 का क्या कर दूं, 14 कर दो, डिफरेंट फ्रॉम 13 कुछ भी लिख दो। अब ये बताओ किस चीज का सवाल है? नो सॉल्यूशन। क्यों बताओ? जब तुम आरईएफ इसकी बनाओगे ना, उस आरईएफ में ये तो जीरो हो जाएंगे, और लास्ट कॉलम में पिवोट आएगा, ए और ए कॉलन बी का रैंक ही सेम नहीं आएगा, तो नो सॉल्यूशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन बनाने आने चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ इक्वेशन और नंबर ऑफ वेरिएबल अगर इक्वल है तो हम कुछ पक्की बात नहीं बोल सकते हैं। इट मे हैव यूनिक सॉल्यूशन, इट मे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, एंड इट मे हैव नो सॉल्यूशन, कुछ भी हो सकता है। अगली बात लो जी, ये एन अब की बार एम से कम है, तीसरा केस हो गया ये, एन एन से कम है, यहां लेस है। क्या मतलब समझे तुम? वेरिएबल कम है और इक्वेशन ज्यादा है। फिर सुनना, ये तीन चीज लिखी मैंने, रैंक ऑफ ए कॉलन बी लिखा, रैंक ऑफ ए लिख दिया, और यहां एन लिख दिया। अब की बार बताओ, एन छोटा है, एम बड़ा है, और एन अगर छोटा है तो पहले मुझे ये बताओ क्या ये वाला रैंक एन हो सकता है? यस, छोटा नंबर तो हो ही सकता है। 7x4 की मैट्रिक्स का रैंक 4 हो सकता है? यस। लेकिन क्या 4x7 की मैट्रिक्स का रैंक 7 आ सकता है? नहीं। तो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है, n छोटा नंबर है, तो रैंक n तो आ सकता है, तो यहां इक्वल टू होल्ड कर सकता है बच्चों, या और यहां भी इक्वल टू आ सकता है। तो अब की बार भी मैं क्या कह रहा हूं, तीनों ही केस हो जाएंगे, सॉल्यूशन यूनिक भी आ सकता है, इनफाइनाइट भी आ सकता है, और नो सॉल्यूशन भी आ सकता है। अब की बार ये वाली पॉसिबिलिटी या सीट में हैपन, ये वाली पॉसिबिलिटी या सीट में हैपन, और ये वाली पॉसिबिलिटी कि ये दोनों इक्वल ना है, वो तो हम हमेशा ही करवा सकते हैं। अब क्वेश्चन बना के दिखाता हूं, क्वेश्चन कैसे बनेंगे ध्यान से सुनना। वेरिएबल कम है, इक्वेशन ज्यादा है, वेरिएबल ले लेता हूं 3 या 2 ले लेता हूं, चलो 2, और इक्वेशन लूंगा 3, और आपको यूनिक का क्वेश्चन दिखाना है मुझे। लो जी, x + 2y = 3, ध्यान से देखना, पहले आप ऐसा करो, इक्वल का मतलब बराबर वेरिएबल बराबर इक्वेशन लो। लो जी ये ले लिया, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बता दो मुझे, क्या है यूनिक सॉल्यूशन है या क्या है? यूनिक है क्या? यस यूनिक है। कैसे पता चला? रैंक 2 आएगा, ये वाली इक्वेशन पहले वाली इक्वेशन का मल्टीपल नहीं है, अलग इक्वेशन है दोनों, रैंक 2 आएगा, वेरिएबल भी 2 है, तो इतने क्वेश्चन का यूनिक आंसर है यूनिक। ठीक है, अभी 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन बढ़ाऊंगा, अभी इक्वेशन को देखना। अब तुम ऐसा करो, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन में मुझे को एक इनफाइनाइट का क्वेश्चन दिखा दो। लो जी, x + 2y = 3, ये तो यूं की यूं लिखी,
और सेकंड इक्वेशन मैंने इसका मल्टीपल लिख दिया 3x plus 6y is equal to 9, देख रहे हो? बताओ कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट. क्यों? ये सेकंड तो नकली इक्वेशन है. रैंक कितना आएगा यहां पे? 1. और नंबर ऑफ वेरिएबल है 2. एक वेरिएबल फ्री आएगा, n माइनस r फ्री वेरिएबल आएगा. समझे? अच्छा और सुनो, एक नो सॉल्यूशन का बना रहा हूं. x plus 2y is equal to 3, इसको किया 3x प्लस किया 6y इज इक्वल टू 9, नहीं किया इज इक्वल टू 10 कर दिया. समझ गए? ये नो सॉल्यूशन का, लेकिन बराबर इक्वेशन बराबर वेरिएबल है. अब कहेगा सर इक्वेशन ज्यादा करके दिखाओ आप, तो आप ऐसा करो ना इस वाले में यूनिक था सॉल्यूशन, ऐड कर दो इनको दोनों को. 4x प्लस 8y इज इक्वल टू 8, ये लो. कहने को तो इक्वेशन ज्यादा हो गई क्योंकि तुमने ऐसा कहा था, लेकिन जब आप इसको आरईएफ में कन्वर्ट करोगे थर्ड इक्वेशन तो जीरो हो जाएगी और यूनिक सॉल्यूशन निकल आएगा. नहीं बात समझ आई क्या? मैंने इसको क्यों बढ़ाया पता लगा? क्यों बढ़ाया? क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन ऐसा बनाना था जिसमें इक्वेशन ज्यादा हो. तो पहले मैंने बराबर इक्वेशन बराबर वेरिएबल लेके यूनिक का क्वेश्चन बनाया और फिर उसी में ज्यादा इक्वेशन करने के लिए इनको ऐड करके लिख दिया. अब ये इक्वेशन दिख तो तुम्हें तीन रही है, एक 10th क्लास के बच्चे को 12th क्लास के बच्चे को क्वेश्चन दो, ये इक्वेशन तीन है, वेरिएबल दो है, लेकिन हम तो जानते हैं तो थर्ड इक्वेशन है वो तो खत्म हो जाएगी और सॉल्यूशन क्या आएगा? यूनिक आएगा, एक्स और वाई की फिक्स वैल्यू निकलेंगी. नहीं समझे? हां जी. ये क्या है? इसकी ऑलरेडी इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. कहता सर तीन इक्वेशन बनानी है, एक और मल्टीपल ले लो. पहली इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो, लो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 15. कुछ समझे क्या? अब कहने को तो इक्वेशन तीन है लेकिन असलियत में तो एक है. जब तुम इसका आरईएफ बनाओगे सेकंड इक्वेशन भी खत्म और थर्ड भी खत्म, बस एक बचेगी, एक वेरिएबल फ्री हो जाएगा, उसको कुछ भी रखते रहना एक्स निकलता रहेगा. समझे? कहता है सर उसमें बढ़ाओ कोई इक्वेशन, वो तो पहले ही नो सॉल्यूशन है थर्ड इक्वेशन, तो उसमें कुछ भी लिख दो तुम, एट रैंडम कुछ भी लिख दो, क्योंकि जब आरईएफ कन्वर्ट करोगे यहां तो पिवट आएगा ही आएगा, तीसरी इक्वेशन के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है. इसको दो तीन से गुणा करके जब इसमें से घटाएंगे तो ये तो जीरो जीरो हो जाएंगे और वहां पिवट आएगा और वो पिवट नो सॉल्यूशन क्रिएट करने के लिए काफी है अपने आप में. यू कैन राइट एनी थर्ड इक्वेशन एट रैंडम. तो तीसरी इक्वेशन मैंने कुछ भी लिख दो क्योंकि सामने वाले ने कहा है कि जी इक्वेशन ज्यादा होनी चाहिए, ले भैया इक्वेशन ज्यादा होगी, वेरिएबल कम है, इक्वेशन ज्यादा है, वो नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और यहां पर यूनिक सॉल्यूशन है. ठीक है, कुछ बात समझ आई? कुल मिला के मैंने इसमें देखो ये बात निकाल ली अभी तक, एम और एन अगर इक्वल है ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल, एन अगर एम से कम है ऑल थ्री केसेस आर पॉसिबल, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा हैं, वेरिएबल अगर ज्यादा हैं, तो एक केस ऐसा है जो पॉसिबल नहीं है. कौन सा केस? यूनिक सॉल्यूशन का. ठीक है, ये टाइप 4 हुई आपकी. अब मैं चलता हूं टाइप 5 पे.